ओ भाई साहब, बहुत ही सही सही परफॉर्मेंस है। हेलो दे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ इनसाइड आउट इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त हैं, मजे में हैं और सेफ हैं। तो दोस्तों, नया वीडियो और एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ नेक्सॉन ईवी के लिए, बट ऑब्वियसली। और आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये U9S LED bulbs। अब ये मैं क्यों मंगवाया और मैंने क्यों मैं बिठाने की ये इंस्टॉल क्यों करवाने वाला हूँ, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए, मैं नेक्सॉन ईवी के पुणे के ग्रुप में भी हूँ। काफ़ी मैंने नेक्सॉन के वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट यही की है कि उसके जो हेडलाइट है वो बकवास है। मतलब गाड़ी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छी है, पर जो हेडलाइट का फोकस है प्रोजेक्टर होने के बावजूद भी एडिक्वेट नहीं है। अब मैंने सोचा मैं भी ये देख लूँ कि सच में है कि नहीं। तो मैं रिसेंटली एक ड्राइव पे गया था जहाँ मैंने नाइट ड्राइव की, हाईवे पे कंटिन्यूसली 100-150 किलोमीटर्स की वो ड्राइव थी। मैंने उस समय ये ऑब्जर्व किया कि लाइट्स तो ठीक है, पर जो एक्चुअल उसका थ्रो आना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए, वो उतना नहीं है। मतलब एडिक्वेट है, बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। पर जब आप उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे कार के प्रोजेक्टर और हेलोजन के सेटअप के साथ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इमीडिएटली नज़र आ जाता है। जैसे कि मेरे पास होंडा BRV है, उसमें भी प्रोजेक्टर और हेलोजन का सेटअप है, पर उसका जो थ्रो और जो स्प्रेड है और जो हाई बीम का जो थ्रो है वो बहुत ही कमाल का है। काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दिखती है, ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, और स्पेशली ड्यूरिंग रेनी कंडीशंस उसका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की कि कहीं ना कहीं इसमें टाटा ने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की। हालांकि वॉटेजेस उतने ही हैं, 50 वॉट्स का ही हेलोजन दोनों प्रोजेक्टर और इसमें यूज़ किया जाता है हाई बीम में, पर पता नहीं क्यों लाइट आउटपुट नहीं आ रहा है। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने आज ये U9S के LED बल्ब्स मंगवाया। तो आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इसके अंदर क्या है वो देखेंगे और इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करके आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस U9S LEDs। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे आप बॉक्स खोलते हैं, मैंने थोड़ा सा सील खोल के रखी है, तो आपको एक ओनर्स मैनुअल मिलता है जिसमें आपको, एक मिनट बता देता हूँ, हाँ, प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे करना है। अगर आपकी जो कार होंगी उस कार का जो सॉकेट होगा उस सॉकेट के हिसाब से अगर आपने बल्ब ऑर्डर किया है तो इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है। फिर यहाँ कुछ पीछे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि कितने वोल्टेज पे ये चलता है। अब नेक्सॉन में जो सॉकेट लगता है हेडलाइट के बल्ब में वो है H7, तो मैंने इधर H7 सिलेक्ट करके ही मंगवाया है। डिफरेंट सॉकेट्स भी है, जैसे H1 है, H3 है, H10 है, अगर सिर्फ हेलोजन हेडलाइट्स है तो H4 भी इसमें अवेलेबल है। फॉग लैम्प्स का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉग लैम्प्स के नंबर्स जो अलग रहते हैं, जैसे 9055, HB3, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसके भी LED बल्ब्स अवेलेबल है। और मैंने भी तीन सेट्स मंगवाया है, तीनों जो सेट्स है वो हेलोजन में जाने वाला हाई बीम, लो बीम प्रोजेक्टर और फॉग लैम्प्स में जाने वाला है। तो बॉक्स खोलने के बाद कुछ ऐसा आपको चीज़ें अंदर देखने को मिलती है। इसमें आपको ये पूरा LED बल्ब का सेटअप और ड्राइवर्स दिखेंगे। अब मैं आपको एक और पास से दिखा देता हूँ, ये है वो एक्चुअली बल्ब, ये देखिए ये, और ये उसका ड्राइवर है। अब और ये जो सॉकेट है, दिस सॉकेट, ये जो सॉकेट है इसको हम लोग जो बोलते हैं प्लग एंड प्ले, वो वाला सॉकेट है। तो ये जो पूरा सेटअप है ये प्लग एंड प्ले है, मतलब इसमें आपको कहीं भी कोई भी वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, जस्ट फिक्स करना है, ये कनेक्शन जोड़ना है एंड दैट्स इट। सॉकेट टू सॉकेट फिट होने वाला है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब अगर इनिशियल इंप्रेशंस की बात करें तो काफ़ी छोटा बल्ब है, मतलब जितना अगर आपका हेलोजन का बल्ब जो प्रोजेक्टर के अंदर रहता है उतना ही साइज़ का है, थोड़ा सा शायद से विड्थ में ज़्यादा है, पर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। वायर भी जो है वो ब्रेडेड वायर है, मतलब नॉर्मल वायर नहीं है, नायलॉन ब्रेडेड वायर्स है, तो इसका भी जो इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। ड्राइवर जो है यहाँ लिखा गया है IP रेटेड ड्राइवर है, तो ये वाटरप्रूफ है, और ये भी जो है वो वाटरप्रूफ है। इसके अंदर यहाँ जो फिन्स लगे हुए हैं, यहाँ अंदर फैन है। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं LED बल्ब्स पे पीछे, पर उससे अगर मैं इस बल्ब को कंपेयर करूँ तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा अभी ही। एक तो इसमें जो वायर यूज़ की है वो ब्रेडेड वायर यूज़ की है, नायलॉन ब्रेडेड वायर्स काफ़ी अच्छे है। सेकेंडली, जो ड्राइवर है ये IP रेटेड है,
और दूसरी बात यह है कि जो बल्ब्स मैंने रिव्यू किए उसमें डायरेक्टली जो पावर सप्लाई रहता था, ड्राइवर रहता था, वो यहीं कहीं तो भी रहता था अंदर फैन के तरफ। इसमें एक सेपरेट ड्राइवर दिया है जिसके वजह से मुझे लगता है जो हीट डिसिपेशन होती है लाइट में से वो ड्राइवर को अफेक्ट नहीं करेंगी, एक अलग सा ही रहेगा। इसकी भी क्वालिटी, ड्राइवर की भी क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, ऑल एल्यूमिनियम केस में एनक्लोज्ड है ये। और बल्ब्स के कंपैरिजन में अगर हमने इसमें देखा तो और एक चीज़ मुझे चेंज लगी वो है ये जो टिप है जहाँ एलईडी इंस्टॉल्ड है, ये देखिए ये जो पूरी टिप है, ये जो पूरी प्लेट है, ये कॉपर की बनी हुई है। मोस्टली जो टिप रहती है या फिर जो प्लेट होती है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई रहती है, और इसमें बॉक्स पे भी ये लिखा गया है स्पेसिफिकली कि ये जो है ये कॉपर सबस्ट्रेट है। तो ये जो कॉपर सबस्ट्रेट है ये ज़्यादा अच्छे से हीट डेसिपेट कर पाता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तभी इसको जो दोनों प्लेट्स दी है, ये देखिए ये दोनों कॉपर की दी हुई है, और जो एलईडीज भी है वो एसएमडी एलईडीज यूज़ किए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनिशियली मैंने ऑब्जर्व की है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सेकेंडली और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की और मेरा मंगवाने का रीज़न भी यही था कि इसका जो कलर टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो कलर टेम्परेचर ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो 6000 केल्विन का है। अब 6000 केल्विन इज़ अ प्योर वाइट कलर टेम्परेचर, मतलब प्योर वाइट लाइट देखेंगे। जैसे हमारी ऑडी या बीएमडब्ल्यूज में या फिर मर्सिडीज़ में जो लाइट आउटपुट जिस कलर का आता है वो कलर का लाइट आउटपुट है जिसमें आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलती है। मतलब भले ही इससे ज़्यादा वॉटेज के बल्ब्स आपने देखे रहेंगे मार्केट में, पर ज़्यादा वॉटेज होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेंगी। कलर टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो कलर टेम्परेचर है वो बहुत ही आइडियल रहता है व्हीकल्स के लिए। तो उसके वजह से उन्होंने, मैंने ये 6000 केल्विन का कलर टेम्परेचर सिलेक्ट किया हुआ है जिससे नाइट राइड में भी बारिश के कंडीशंस में, नाइट ड्राइव्स में आराम से हम लोग ड्राइव कर सके। तो इसको अभी इंस्टॉल करते हैं नेक्सॉन ईवी पे, और फिर इसके बाद इसका पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद डेमो भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, सो गाइज इंस्टॉलेशन तो काफ़ी इजी है और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ क्या बैठने वाला है। तो देखिए ये हेडलाइट है, यहाँ वाला जो पार्ट है वो है हेलोजन का, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ, ये वाला जो पार्ट है वो है प्रोजेक्टर का। तो इंस्टॉलेशन के पहले आपको ये कवर जो है ये कवर निकालना है, ध्यान से रखना है क्योंकि वो बाद में वापस लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए। और ये जो आपको अंदर जो क्लिप नज़र आती है यहाँ, वो निकाल के आपका जो स्टॉक हेलोजन बल्ब है वो निकल जाएगा। और ये सॉकेट है जहाँ प्लग एंड प्ले करना है। तो ये सिंपल है, अभी मैं एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये वाली जगह कैसी दिखती है। सो गाइज इंस्टॉलेशन हो गया है, मैंने हेलोजन वाले साइड मतलब हाई बीम के साइड पर भी बिठा दिया है, प्रोजेक्टर के साइड पर भी बिठा दिया है। ये देखिए यहाँ मैंने बिठाया, आपको यहाँ अंदर फ़ैन भी दिख रहा रहेगा ये वाला, ये देखिए यहाँ बिठा दिया अच्छे से, क्लिप्स में लग गए हैं, दोनों जगह प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया है। अब ये जो चीज़ है ये भी पूरी अंदर, यहाँ जो आप जगह देख रहे हैं आजू बाजू, ये पूरी जो मेटल का जो ड्राइवर है ये भी अंदर चला जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये चीज़ बाहर लटकते रहने वाली है, ये पूरी चीज़ यहाँ ऐसे अंदर चली जाएंगी। और फिर आप उसको जो कवर है, जो हेडलाइट का जो कवर है वो भी लगा सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ का भी लगाता हूँ, फिर फॉग लैम्प भी लगाता हूँ, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइस अभी सब अच्छे से सील कर दिया है, डस्ट कैप भी लगा दी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे अच्छे से मैंने डस्ट कैप यहाँ लगा दिए है। जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर है वो भी इस डस्ट कैप के अंदर ही है, कंसील्ड बैठ चुका है अच्छे से। और यहाँ का भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ जो डस्ट कैप है वो बैठी हुई है, और यहाँ थोड़ा सा अड़चन है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे रहेंगे तो दोनों के डस्ट कैप्स बैठ गए हैं। अब इसको एक बार रात में टेस्ट करेंगे अच्छे से। सो गाइस इंस्टॉलेशन हो चुका है, काफ़ी सिंपल था इंस्टॉलेशन, आप लोगों ने देखा ही, मैंने अच्छे से सब कुछ कंसील कर दिया, जो डस्ट कैप था वो भी अच्छे से बैठ गया, और डस्ट कैप के अंदर सब चीज़ें बराबर से बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वायर इधर उधर डालने पड़े। तो आप पूछ रहे होंगे नेक्सॉन में ये चीज़ करे तो वारंटी वॉइड होती है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता इससे वारंटी वॉइड होती है क्योंकि हमने कहीं भी वायर्स कट नहीं किए, जो भी चीज़ की है वो प्लग एंड प्ले की हुई है।
और इससे बैटरी पे भी फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि जो हेडलैम्प्स है ये सारे जो है वो ऑक्सिलरी बैटरी पे चलते हैं, मतलब जो स्पेयर बैटरी है, जैसे रेगुलर कार्स में भी एक जो बैटरी होती है उसी पे ही ये जो हेडलाइट के बल्ब्स है वो रन करते हैं, इसलिए बैटरी के ऊपर या फिर ईवी का जो रेंज है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आने वाला है ऐसा नहीं होने वाला है। अभी थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाएगा तो इसको एक ड्राइव के लिए लेके चलेंगे और वहाँ इसका हाई बीम लो बीम दोनों ही चेक करेंगे और कैसा इसका आउटपुट है वो भी चेक करेंगे। सो गाइज, शाम हो चुकी है और लकीली आज हमारे सोसाइटी की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी काम नहीं कर रही है, तो परफेक्ट टाइम है आप लोगों को जो एलईडी बल्ब्स मैंने इंस्टॉल किए हैं नेक्सॉन ईवी पे उसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो अभी मैं आपको लो बीम का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। सो देखिए दोस्तों, ये है लो बीम का परफॉर्मेंस। तो लो बीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ स्टॉक हेलोजन बल्ब के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस, जो लाइट आउटपुट है, जो इल्यूमिनेशन है, ये काफ़ी बढ़िया है। मैं कह सकता हूँ कि 50% ज़्यादा है स्टॉक हेलोजन बल्ब से, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रेंज में है। एंड लो बीम जो है नेक्सॉन की वो प्रोजेक्टर है, तो जो कट लाइंस भी है वो शार्प दिख रहे हैं। तो देखिए, ऑन कमिंग ट्रैफिक को ये एलईडी बल्ब्स लगाने के बाद कोई तकलीफ नहीं आएंगी, उनके आंखों पे ग्लेयर नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कट लाइंस भी काफ़ी शार्प है, यहाँ देख रहे हैं आप ये जो कट लाइंस है वो काफ़ी शार्प है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है लो बीम पे। आप देखते हैं हाई बीम पे इसका क्या परफॉर्मेंस है। ओ भाई साहब, बहुत ही सही सही परफॉर्मेंस है, मैंने भी खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ लगाने के बाद कि इसका जो हाई बीम परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, हाई बीम पे हमेशा जो परफॉर्मेंस है ना वो स्प्रेड वाला नहीं होना चाहिए, बीम वाला होना चाहिए, फोकस वाला होना चाहिए, ताकि आपको हाई बीम पे दूर तक का दिखे। काफी एलईडीज जो मैंने चेक किए हैं, मतलब मेरे दोस्तों के गाड़ियों पे, मैंने भी खुद पहले काफी वीडियोस बनाए हैं एलईडी के ऊपर वो इंस्टॉल किए, तो लो बीम तो परफॉर्मेंस सभी एलईडी बल्ब्स का अच्छा रहता है, पर हाई बीम पे उनका गड़बड़ हो जाती है, वो स्कैटर हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप एलईडी बल्ब लगाते हैं। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन हेलोजन से करूँ तो मैं बोलता हूँ 100% ये दुगना परफॉर्मेंस है स्टॉक बल्ब से, क्योंकि इसका जो बीम है ना ये लगभग यहाँ से एकदम वो जो ये गली है उसके एकदम छोर तक जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस वाइज मेजर किया गया तो ये लगभग 200 मीटर तो आराम से है, और मुझे 200 मीटर पे जो एक वाइट वॉल है वो भी दिख रही है, एक कार खड़ी है वो भी दिख रही है, उसके जो रिफ्लेक्टर्स है वो भी अच्छे से चमक रहे हैं, तो हाई बीम परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। और अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस देखी जाए लो बीम और हाई बीम की तो वो भी कमाल है, मतलब स्प्रेड भी मिल रहा है, बीम भी मिल रहा है, और यही पैटर्न जो है लाइट का ये आपको हाईवे पे बहुत मदद करता है, ताकि आपको सब चीजें अच्छे से दिख सके। बाद में तो आप ऊपर नीचे अपना जो हेडलाइट का पोजीशन है वो एडजस्ट करके और उसको एक्यूरेट बना सकते हैं, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो ओवरऑल ये जो एलईडी बल्ब्स का परफॉर्मेंस है ये कमाल है, और स्टॉक बल्ब से तो डेफिनेटली दुगने से तिगुना परफॉर्मेंस ये दे रही है। सो गाइज, अभी ये जो परफॉर्मेंस एलईडी बल्ब है इसके साथ नाइट राइड्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और सेफ भी रहने वाली, क्योंकि इसका जो लाइट आउटपुट है और जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है, तो अभी और भी हम लोग नाइट राइड्स कर सकते हैं, और एक बार इसका जो हाईवे का परफॉर्मेंस है वो भी उसके साथ टेस्ट हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पास फंक्शन तो अपने गाड़ी में रहता ही है, पर ये एलईडी बल्ब बिठाने के बाद एक जो पास फंक्शन का जो मज़ा है ना, एकदम शार्प कट ऑफ है इसके, शार्प बीम एंगल जाती है, तो बिल्कुल एक प्रीमियम गाड़ी का जैसे पास फंक्शन आपने देखा रहेगा कैसा होता है, वैसी फील आती है, एकदम शार्प और पावरफुल बीम जाती है सामने वाले के कांच में, ताकि ओवरटेकिंग के समय उसको अच्छा इंडिकेशन मिल जाए कि पीछे से गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट पसंद आया है और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप बिंदास होके ये बल्ब खरीद सकते हैं। जस्ट आपका जो सॉकेट है, जो गाड़ी का आपका प्लग एंड प्ले वाला जो इसका सॉकेट है, जो आपकी गाड़ी है उस हिसाब को सिलेक्ट करना है और आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो विद दैट सेट गाइज, मैं मेरा वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक बढ़िया से व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।